तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो एकदम मस्त होंगे। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो या फिर व्हाट्सएप चलाते हो, हाँ सभी आजकल का दिन में सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो आज की वीडियो में व्हाट्सएप की ऐसी एक ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप व्हाट्सएप की किसी भी स्टेटस डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो फोटो हो। और यहाँ पर जो मेन इंटरेस्टिंग बात है वो है कि यहाँ पर आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना होगा। आप प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन ना यूज़ करके आप व्हाट्सएप का स्टेटस इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आपके फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग्स है जिससे आप अपना व्हाट्सएप का स्टेटस डाउनलोड कर सकते हो। आपका किसी दोस्त स्टेटस में अगर कोई वीडियो या फिर फोटो लगाता है तो आप अपने फोल्डर में डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसे करना पड़ेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। तो ये जो सारा काम होगा सब मेरे मोबाइल स्क्रीन पे होगा, तो चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। अब मैं नॉर्मली मेरा व्हाट्सअप ओपन हो जाता हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे चैट्स देख सकते हो। तो मैं स्टेटस में जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो स्टेटस है बहुत सही। तो यहाँ पर से आपको जो स्टेटस डाउनलोड करना है उसको आपको एक बार देख लेना होगा, मतलब सीन करना होगा। तो यहाँ पर से मैं कुछ स्टेटस देख लेता हूँ। दोस्तों स्टेटस देखने के बाद आप अपने व्हाट्सअप को क्लोज कर दीजिए। तो मैं बंद कर देता हूँ व्हाट्सअप को क्योंकि मेरा स्टेटस हो गया सीन। तो अब जाइए यहाँ पर आपका फाइल मैनेजर में, आपके फ़ोन में फाइल मैनेजर में। तो मैं अपना फाइल मैनेजर पे ओपन हो जाता हूँ। तो मेरा तो इंटरफेस ऐसा है, आपका शायद और इंटरफेस होगा। तो आपका देखना शायद दाएं तरफ 3 डॉट होगा या फिर मेरे जैसा बाएं तरफ 3 लाइन होगा। तो मैं इस 3 लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका सेटिंग्स का ऑप्शन होगा। आपका किसी और इंटरफेस हो तो आपका मतलब आपका फाइल मैनेजर में सेटिंग्स पे जाना होगा। तो फाइल मैनेजर पे सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा शो हिडन फाइल्स, तो आपका यह ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देना। तो मैं भी इसको नॉर्मली ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद आप यहाँ से बैक हो जाना। अब आपको जाना होगा अपनी फ़ोन स्टोरेज में। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ मेरे फ़ोन स्टोरेज में। तो यहाँ पर बहुत सारी फोल्डर होगा, तो यहाँ पे से आपको व्हाट्सअप फोल्डर में जाना है। तो मैं यहाँ पर व्हाट्सअप फोल्डर ढूंढ लेता हूँ। तो ये रहा व्हाट्सअप फोल्डर, मैं तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फिर से आपको बहुत सारी फोल्डर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे से आप मीडिया फोल्डर पे क्लिक कीजिए। तो इसके बाद देखना या फिर से बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे फोल्डर है। तो यहाँ पे से देख सकते हो ये एक फोल्डर का नाम है स्टेटस, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपने जो जो स्टेटस आपने देखा था वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप इसको कैसे डाउनलोड करोगे? तो मैं यहाँ पर एक स्टेटस डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्टेटस मैं डाउनलोड करूँगा, तो यहाँ पर आपको ये स्टेटस सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी कर लेना, इसको सिंपली कॉपी कर लेना। तो इसको कॉपी करने के बाद मैं मेरे इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहे तो आप भी अपना किसी भी फोल्डर में पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पिक्चर्स फोल्डर में मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर पेस्ट हो गया, तो मेरा जो स्टेटस है वो डाउनलोड भी हो गया, ऐसे मतलब डाउनलोड भी हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गैलरी में जाकर कि कैसे मेरा स्टेटस जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपना गैलरी ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एल्बम्स पे ऑल फोटोज़। तो यहाँ पर ये जो स्टेटस है वो डाउनलोड हो चुका है। तो ऐसे करके आप भी अपना स्टेटस ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपका ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप तक के लिए बाय बाय।